यहाँ पे अगर कोई गाइस नया बंदा आ जाएगा ना, पक्का वो कंफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ का मेट्रो भाई एकदम पूरा फुल अंडरग्राउंड है, ये मान लो मतलब 4 मंजिले के नीचे चलती है भाई। भाई मेट्रो आ चुकी है, अभी दिखाते हैं आपको मेट्रो का गेट कैसे खुलता है। ये देखो डबल डबल गेट लगा हुआ है, ये पहले अंदर वाला खुला उसके बाद बाहर वाला। अभी आ गए हम लोग, ये भाई मेट्रो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं इमरान। गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और एक प्यारे से ब्लॉग में। एंड गाइस ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई दिल्ली से। आप सभी को पता होगा मैं दिल्ली में हूँ और आज था 26 जनवरी। आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, वहाँ पे परेड में आपको दिखाने ले गया था जो मतलब दिल्ली में परेड चलती है। एंड 26 जनवरी के दिन भाई पूरा दिल्ली बंद रहता है, मेट्रो और जो मतलब बसेज रहती है सब बंद रहती है, सिर्फ मतलब ऑटो चलते हैं, बाइकें चलती हैं। एंड गाइस रास्ते सारे नहीं ब्लॉक रहते हैं, बट जहाँ पर मतलब परेड निकलती है वहाँ पर ब्लॉक रहते हैं। तो परेड देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। एंड अभी भाई मेरे साथ में एक मतलब दोस्त है मेरे, जो कि मतलब जे कम्युनिकेशन पे मिले थे। आपको पता होगा हम गए थे जे कम्युनिकेशन पे मोबाइल गिफ्ट लेने के लिए, बट मोबाइल तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, बट उन्होंने मेरे को एक गोल्डन वॉच दिया था, वो आपने वीडियो देखा होगा। एंड ये रे विशाल भाई, ये मेरे को वहाँ पे मिले थे। सो अभी इनको फ़ोन लेना था भाई। हम लोग गए थे विजय सेल्स में, यहाँ पीछे मतलब वो है विजय सेल्स का मतलब शोरूम है, तो वहाँ पे लिखा था मतलब 70% ऑफ, बट वो था फ्रिज और उस पर। तो इनको लेना था एक वन प्लस का फ़ोन मतलब Nord C3, तो वो तो मिला नहीं उनके पास, मतलब स्टॉक में नहीं है। सो अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट में, मार्केट आपको घुमाएंगे, उसके बाद ये भाई जाएंगे ग्रेटर नोएडा और मैं जाऊंगा नोएडा, क्योंकि मतलब मेरे गांव के दो भाई रहते हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ पे जाऊंगा एंड थोड़ा आपको मार्केट घुमाते हैं, उसके बाद चलेंगे नोएडा एंड पूरा आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले भाई आपको घुमाएंगे चावरी बाज़ार, यहाँ की मार्केट है। एंड गाइस आपको एक जीप दिखाता हूँ भाई, ये देखो, ओ भाई क्या ख़तरनाक जीप है यार, अलग ही लेवल का। एंड जहाँ पे हम लोग थे वो था भाई दिल्ली गेट, वहाँ पे परेड मतलब 26 जनवरी के दिन परेड निकलती है। एंड भाई मज़ा आ गया परेड देख के, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग जाके प्लीज़ एक बार देखना वो वीडियो। अभी गाइज हम लोग पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये है हज मंजिल और ये है तुर्कमान गेट। यहाँ से सीधा जाएंगे कुछ मतलब 500-600 मीटर तो पड़ेगा दिल्ली गेट। एंड यहाँ पे रात को हम लोग रुके थे, सरकार की तरफ से भाई मतलब जो मुसाफिर रहते हैं आते हैं रात को, मतलब उनको जगह नहीं मिलती तो वो आके यहाँ पे रुक सकते हैं, उनको मतलब बेड मिल जाता है, कंबल मिल जाता है, सोने के लिए बिस्तर मिल जाता है, तो वो यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। ये आपको बोर्ड दिख रहा है हज मंजिल का, ये वाला है, यहाँ से भाई अंदर जाते हैं, वहाँ मतलब आधार कार्ड लगता है, आईडी लगता है, उसके बाद वो अंदर ले लेते हैं। और गाइस बता दूँ आपको कि मतलब आज ही के दिन ये मेरा दूसरा ब्लॉग शूट हो रहा है, मतलब आज 26 जनवरी है और सुबह सुबह मैं भाई नहाया था ठंडे ठंडे टाके वाले पानी से, इतना मतलब ख़तरनाक ठंडी पूछो मत गाइस। और आज आपने देखा भाई दिल्ली में ना थोड़ा ठंडक भी कम है, क्योंकि आज मैंने सुबह से जैकेट भी नहीं डाली है, जैकेट मैंने बैग में रखी है। अब मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास और वहाँ पे जैकेट छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा एकाध मतलब हल्के कपड़े ले लूँगा मोटे, उसको पहन के उसको मतलब निकल जाऊँगा पहन के राजस्थान। और जैकेट बहुत मतलब जाड़ा है, बहुत मोटा है, हैवी है, वज़न भी है, तो उसको यहीं पे रख देंगे। एंगेज यहाँ हो जाते हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे, अभी मैं जाऊँगा नोएडा, नोएडा में मेरे दोस्त रहते हैं, गाँव के हैं भाई, तो अभी जाके उनके पास एक दो दिन रेस्ट करूँगा और कपड़े उपड़े धुल लें थोड़े, वो भी धुल लूँगा, सब हो जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं ये मेरा दूसरा ब्लॉग शूट हो रहा है आज ही के दिन, आज 26 जनवरी था। सो परेड वाली वीडियो इतनी अच्छी थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था, तो मैंने सोचा कि मतलब उसको पूरा डाल देते हैं भाई आप लोगों के लिए, पूरा देख लेना। और वो वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखना भाई, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी वीडियो है। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, तो मैं आपको सोचा कि वहाँ पर जाते हैं तो ब्लॉग बनाते हुए जाते हैं, आपको मार्केट का पूरा नज़ारा दिखाते हुए जाएँगे एंड जो होता है रास्ते में वो दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं, यहाँ का मेट्रो भी दिखाते हैं और दिल्ली का नज़ारा भी दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहो गाइस, चलते हैं दिखाते हैं आपको सब कुछ। रात को इतना ज़्यादा भटकना पड़ा था भाई रहने के लिए, क्योंकि मतलब एक और रैन बसेरा था वहाँ पे गए, वहाँ पे बेड तो खाली था बट हम तीन लोग थे, क्योंकि मतलब जे कम्युनिकेशन से हम तीन लोग आए थे और अचानक बोले कि मतलब तीन लोग हैं, तो बोल दिया भाई तीन लोगों के लिए बेड नहीं है, एक बंदे के लिए बेड रहता है। उसके बाद उसने बताया कि मतलब वहाँ पे दूसरा सेंटर है बड़ा वाला, वहाँ पे जाओ वहाँ पे जगह मिल जाएगी। फिर वहाँ पे आए, वहाँ पे पूरा बुक था, क्योंकि भाई 25 जनवरी को किसी को मतलब एंट्री नहीं लेते हैं, 26 जनवरी का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी को पता है। और अगर मतलब 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाते हैं भाई तो दिल्ली में मनाते हैं, ये मैं मान गया। और मैं बहुत मतलब अच्छे टाइम पे पहुंचा था भाई, कि मतलब आज 26 जनवरी है और मैं दो दिन पहले ही पहुंच गया था। और मनीष भैया के पास था, मनीष भैया से मैं रोहिणी नगर मतलब यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास रहेगा, 40 किलोमीटर के, बट मैं वहाँ से यहाँ आ गया था कि भाई ये मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सुना था कि मतलब दिल्ली में बहुत तगड़ा। मैं तो वो बाइक वाला परेड देखने के लिए सोच रहा था, बट बाइक वाला मतलब दिखा नहीं जो मतलब वीडियो में देखते हैं,
कोई बात नहीं, बट जो भी परेड देखा भाई एक नंबर का था, बहुत ज्यादा मजा आ गया। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर जाके वो वाला वीडियो देखना। तो गाइस यार हम अभी हैं न्यू दिल्ली, मतलब रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के दोनों पास, और बाहर पूरी मार्केट लगी है। ये भाई यहाँ की मार्केट है, आप लोग देख सकते हो। और कहाँ से हो भाई? बिहार से। सही है, मचाए रहो। ये मार्केट है भाई, अभी यहाँ से चलेंगे, उसके बाद मेट्रो पकड़ेंगे, फिर निकलेंगे नोएडा के लिए। तो भाई यार ये रहा टिकट, और मेट्रो में एंटर कर चुके हैं। ये रहा मेट्रो स्टेशन का नज़ारा, इधर भाई पूरा मेट्रो फुल है, अभी चलते हैं गाइस। तो गाइस यार अभी देखो हम लोग भाई मतलब गलत वाले वो प्लेटफॉर्म पे चले गए थे, हम लोग को जाना था 2 नंबर से और हम लोग चले गए थे 1 नंबर पे। एंड हम लोग एक स्टॉप आगे आ गए हैं, हम लोग बैठे थे भाई मतलब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, मतलब मेट्रो स्टेशन से, और हम लोग अभी चावरी बाजार में हैं। तो यहाँ पे जो मतलब वो आएगी मेट्रो, यहाँ से बैठ के हमको जाना है राजीव चौक, राजीव चौक से चेंज करना है। यहाँ पे भाई येलो लाइन ब्लू लाइन होता है, अभी हम लोग येलो लाइन पे हैं, यहाँ से फिर राजीव चौक से ब्लू लाइन चेंज करना है। और स्टेशन लगता है मतलब मेट्रो लगता है आ गई है, यहाँ का मेट्रो है भाई अंडरग्राउंड। सो अभी चलते हैं भाई, मेट्रो आती है बैठते हैं उसमें, उसके बाद चलते हैं भाई। मेट्रो आ चुकी है एंड अभी दिखाते हैं आपको मेट्रो का गेट कैसे खुलता है। ये देखो डबल डबल गेट लगा हुआ है, ये पहले अंदर वाला खुला उसके बाद बाहर वाला, अभी आ गए हम लोग। ये है भाई मेट्रो का नज़ारा, अभी हम लोग सही गाड़ी में बैठे हैं भाई जाके। गाइस यार ये आ गए हैं भाई हम राजीव चौक, और इधर से अब हमको पकड़नी है ब्लू लाइन, अभी तक हम येलो लाइन पे थे। यहाँ पे अगर कोई गाइस नया बंदा आ जाएगा ना पक्का वो कंफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ का मेट्रो भाई एकदम पूरा फुल अंडरग्राउंड है, ये मान लो मतलब 4 मंजिले के नीचे चलती है भाई, और सच में नया बंदा आ जाएगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब इधर से हमको चलना है ब्लू लाइन पकड़ना है। एंड गाइस आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे येलो लाइन रहेगा वहाँ पे देखो ऐसे पैरों का निशान रहेंगे कि मतलब वहाँ पे आप, वहाँ येलो लाइन है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ब्लू लाइन रहेगा वहाँ पे ऐसे ब्लू पैरों के निशान बनाए रहेंगे कि यहाँ पे ब्लू लाइन है। अभी पहले ऊपर चलते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी हम सीढ़ी से ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू पैरों के निशान बनाए हैं, मतलब ब्लू लाइन यहाँ पे है। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है नए बंदों के लिए कि मतलब यहाँ पे भाई मेट्रो स्टेशन पे बहुत दिक्कत होती है, मुंबई में इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये ऐसे ब्लू लाइन पड़ा रहता है ताकि मतलब लोगों को पता चल सके कि ब्लू लाइन यहाँ पे चलती है। अब यहाँ से हमको पकड़ के चलना है भाई, मेरे को जाना है बोटेनिकल गार्डन एंड भाई को जाना है परी चौक, तो दोनों जगह पर मतलब ब्लू लाइन जाएगी। अब चलते हैं ब्लू लाइन को, मतलब मेट्रो पकड़ते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे फटाक से बोटेनिकल गार्डन और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ से देखो जो यहाँ से उतरते हैं उनके लिए भाई ये येलो लाइन है कि मतलब येलो लाइन नीचे है। सो अब यहाँ पे ट्रेन आएगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे बोटेनिकल गार्डन। तो गाइस बोटेनिकल गार्डन जाने के लिए हमको वो पार जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सीढ़ियों से वो पार जाना पड़ेगा भाई। ये समझ लो ना राजीव चौक से आपको ना हर जगह मतलब जाने के लिए मेट्रो मिल जाएगी, येलो लाइन पिंक लाइन जहाँ तक मेरे को पता है भाई, क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं घूमा हूँ। और यहाँ से हर तरफ जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएगी, तो चलते हैं। और ये भाई देखो पूरा मतलब अंडरग्राउंड है, और जो नीचे हम लोग थे वो भी अंडरग्राउंड था, तो यहाँ से चलते हैं भाई। मेट्रो का नज़ारा वाव, कितनी ज़्यादा पब्लिक, मुंबई में इतना लोकल में भीड़ रहता है जहाँ जितना यहाँ पे मेट्रो में रहता है भाई। आज आपको पूरा मेट्रो घुमा दूँगा मैं। देखो ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं भाई जहाँ पे आपको जाना रहता है, स्टेशन के नाम लिखे रहते हैं, और ब्लू लाइन में जितने भी मतलब वो आते हैं स्टेशन आते हैं वो सब लिखा रहता है। और जहाँ पे मतलब चेंज करने के लिए येलो लाइन रहता है पिंक लाइन रहता है वहाँ पे मतलब वो रहता है मार्क रहता है कि यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो मैं बोटेनिकल गार्डन उतरूँगा, उसके बाद फिर वहाँ से चलेंगे। अब यहाँ पे इंतज़ार करते हैं भाई, यहाँ पे क्राउड देख लो कितना ज़्यादा है। भाई मेट्रो में इतनी भीड़ है, लोकल भी फेल किया है। आ जाइए भाई गांव पे खड़े हो जाइए साथ में। तो गाइस लोकल में तो आ चुके हूँ,
तो गाइज मेट्रो में आ चुके हैं, अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे बोटेनिकल गार्डन। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, एंड ये अपना लास्ट था। एंड यहां से भाई मेट्रो स्टेशन से नज़ारा क्या दिखता है ये देख लो। एंड ये वाली जो फ्लाईओवर दिख रही है ये मेरे को पकड़ के उस पार जाना है, उसके बाद वहां से पकड़ना है ऑटो, पकड़ना नहीं है ऑटो में बैठना है भाई, ऑटो में बैठ के उसके बाहर जाना है हाजीपुर। तो अभी यहाँ से जाएंगे हाजीपुर, उसके बाद वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, सो वहाँ जाके मिलेंगे भाई दोस्तों से। तो भाई हाजीपुर की मतलब ऑटो मिल गई है, अब ऑटो में बैठ गए, 20 रुपये लगेंगे, अब पहुँच जाएंगे हाजीपुर। और जैसे मतलब गांव जाते हैं तो एक खुशी होती है ना, ऐसे भाई मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ तो अलग ही खुशी है, क्योंकि गाँव में हम लोग मिलते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ दिल्ली में मिलेंगे, अभी मैं नोएडा में हूँ। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं एक और बार, फिर उसके बाद मिलेंगे ईद में, रमज़ान में। अभी तो रमज़ान को 2 महीने हैं, फिलहाल चलते हैं।